जी, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने एंड करा था। तो यहाँ पर मम्मी गुड्डू को केक खिला रही हैं और गुड्डू वीडियो बना रहे हैं, बुलबुल से कह रहे हैं खेलो तुम भी व्लॉग शूट करो। तो बस इसी तरीके से हमारी बर्थडे पार्टी हुई थी और यहाँ पर मेरी फ्रेंड सुरैया और यास्मिन बहुत लेट हो गए थे तो केक कट चुका था। हालांकि ये लोग गली के अंदर ही रहते हैं हमारे, लेकिन फिर भी देखो चार घर में से आते आते इन्हें बड़ा टाइम लग गया। तो एक्चुअली सुरैया जा रही है अपने गाँव गढ़वाल, तो इस वजह से वो पैकिंग शैकिंग में बहुत बिजी थी इसलिए लेट हो गया था। तो जी यहाँ पर हमारा चल रहा है सबको केक खिलाना। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने वीडियो शूट जो है ना बहुत कम करा था, और कई लोग पूछ रहे थे कि ये आसू जी की रियल सिस्टर हैं, तो नहीं जी ये आसू जी की रियल सिस्टर नहीं है, ये उनके ऑफिस में काम करती थी, उनकी कलीग हैं और ये अनमैरिड हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा था तो मैं बता दूँ था कि ये अनमैरिड है, इनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तो ये आ चुकी है सुरैया और ये यास्मीन है, पीछे जो खड़ी है वो सुरैया की छोटी बहन है और ये यास्मीन का ही बेबी है जो कि हमारी लिबा से आई थिंक कुछ दिन छोटा है, पता नहीं बड़ा है ये नहीं पता मुझे। साइड में बैठी हुई है नजमा बाजी और यहाँ पर चल रहा है खाना पीना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, फिर मैंने मिनास को दे दिया था, बच्चों को हम लोगों ने नीचे बिठा दिया था क्योंकि मेरा घर काफ़ी छोटा है तो इस वजह से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारे लोगों को दावतों में बुलाऊँ और बहुत अच्छे से एहतराम करूँ। यहाँ पर मिनास बैठी हुई थी तो मिनास को मैंने वीडियो दे दिया था, कैमरा दे दिया था कि आप थोड़ा सा शूट कर लो, ये लोग खाना खा रहे हैं सब जने। तो बस यहाँ पर सबको काफ़ी अच्छा लगा था खाना, सीरियसली आपकी मेहनत सफल हो जाती है कि सबको कोफ्ते बड़े पसंद आए थे और बिरयानी भी सबको मज़े की लगी थी। चिकन की बिरयानी थी और बीफ के कोफ्ते बनाए थे मैंने, शीर बनाई थी, सैलेड था और नान रोटी थी। मिनास जो है वो प्योरली वेजिटेरियन है तो मिनास के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो मिनास ने अपना पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय करी थी। और कई लोग पूछ रहे थे कि आपके भैया भाभी नहीं आए, तो भाभी अपने मायके गई हुई थी तो इस वजह से वो उनके बच्चे भी यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए। तो मिनास ही आपको डिश खोल के दिखा रही थी तो नहीं दिखाई थी। ये है शीर जो मैंने बनाई थी, बहुत क्विकली बनाई थी क्योंकि मैंने आइसक्रीम का जुगाड़ कर रखा था, बट आइसक्रीम जो है ना मेरी पूरी मेल्ट हो गई थी क्योंकि आसू जी काफ़ी टाइम पहले ले आए थे तो वो बिल्कुल पिघल चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में था कोल्ड ड्रिंक का सेशन क्योंकि सबने कोल्ड ड्रिंक उस टाइम पर ले लिया था केक के साथ, लेकिन उसके बाद नहीं है। और यहाँ पर अन्नू और नगमा जो अपनी रील्स बना रही है, नगमा जो है ना ये जिसे कहते हैं ना फ़ोन की क्वीन है हमारी, उनको सारे फीचर्स आते हैं और हम इसी से नॉलेज लेते हैं नगमा ऐसे कैसे करना है, नगमा वैसे कैसे करना है। तो बस ये नगमा अन्नू के साथ रील बना रही थी, अन्नू को सिखा रही थी और लिबा हमारी इन्जॉय कर रही है, बुलबुल भी वीडियोज़ बना रहे हैं। मैंने तो इतना शूट नहीं करा, वहाँ बैठे हुए लोग ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे, मेरा तो बस यही है, थोड़ा बहुत ही दिखने को मिले होंगे। मैं आपको पूरे बर्थडे में मैं बस दो ही बार नज़र आई हूँ, उसके बाद में नज़र नहीं आई हूँ। और बहुत अच्छा लगा था और अच्छा लगता है छोटी छोटी सी खुशी। अच्छा जी, तो अब टाइम आ चुका है हमारे दोपहर के लंच का। तो ये लेफ़्ट ओवर खाना था जो मैंने दोबारा से गरम कर दिया, सारा फ्रीज़ करने के बाद गरम कर दिया था। अब हम लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर मैंने शीर गरम कर ली थी, बिरयानी गरम करी थी और ये कोफ्ते आलू का जो सालन था वो गरम कर लिया था और नान रोटी जो थे वो हमने मंगवा लिए थे। तो इस तरीके से हमारा लंच था और यहाँ पर बुलबुल जो है वो हमारे साथ आ चुकी हैं, खाने में शामिल हो चुकी हैं और बस हमारे दिन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे कट रहे हैं। वीडियो लेट आने के बस यही रीज़न है आपकी बुलबुल अप्पी, क्योंकि हमें टाइम का पता ही नहीं चल पाता है कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, मैं व्लॉग शुरू कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये व्लॉग भी मैंने मतलब एंड रात को कर दिया था, अब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ इसको दिन से, क्योंकि सुबह मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि काफ़ी ज़रा काम पड़ गया था इस वजह से। तो यहाँ पर अब हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, मैंगोज़ भी खा लिए और यहाँ पर ये देखो आयजा जो है ना उन्होंने मैंगो खा के और उसको इतनी अच्छे से नींद आ रही है और वो आराम से बैठ के सो रही है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चा देखा जो बैठे बैठे ऐसे सो रहा हो, इतनी क्यूट लग रही थी ना ये, इतनी क्यूट लग रही थी कि बस पूछो मत। आप लोग भी देख सकते हैं आयजा कितनी थकी हुई है और अन्नू अपनी फटाफट से शीर निपटा रही है कि इसको सुलाऊंगी, और मेरा फोकस पूरा मेरी आयजा पे ही था कि आयजा को देखूँ मैं। सोते हुए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और इस तरीके से बच्चे कम ही सोते हैं क्योंकि उनको सुलाना पड़ता है और आयजा को नींद आ ही रही थी। तो बस यहाँ
अच्छा जी, तो दोपहर के खाना वाना खाने के बाद हम लोग रेस्ट कर लिया था, उसके बाद अब आ जाती शाम के चाय नाश्ते की बारी। तो शाम को चाय नाश्ते में आज बच्चों के लिए मैंने चाय नहीं बनाई थी, बच्चों के लिए बनाया था रूह अफ़ज़ा, और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि बुलबुल और बच्चों को पीना था कुछ ठंडा, और हमारे तो जब तक हम चाय ना पिए तब तक हमारी शुरुआत ही नहीं होती है, ना इवनिंग की ना मॉर्निंग की। तो इसके बाद आप आगे का वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को देखने में आएंगे अल्फिया की गिफ्ट ओपनिंग, मतलब अल्फिया को क्या क्या गिफ्ट मिले थे, और दूसरा अल्फिया को मॉर्निंग कैसे करी थी। तो वो क्लिप्स मेरे से मिस हो गई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो रात का जो डिनर था वो भी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। रात के डिनर में मैंने बनाए थे आलू के पराठे और बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे, तो मैं आपको यही बताई थी, और आगे आपको फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, बहुत अच्छे से इन्जॉय करिएगा, और गिफ्ट्स भी देख लेना क्या क्या सबने दिए थे अल्फिया को, और अल्फिया के पापा ने उसको मॉर्निंग में कैसे उठाया था। तो आगे मिल, चलो उठाओ, नहीं ऐसे पहले सोने दो, दो अच्छे से मिला दिया तुमने महसूस को, चलो ना उठो, अल्फिया उठ जा बेटी और मेरे पास जाओ, मेरे बच्चा इतना बड़ा, अल्लाह ने शी बहुत अच्छा करे मेरे बाबा का है, ये लो आपके लिए पापा लेकर आए, हैप्पी बर्थडे अफू, हैप्पी बर्थडे अफू, ये भी अप्पी की तरफ से अफू, ये भी अप्पी की तरफ से अफू, और ये भी मम्मा पापा की तरफ से है अफू का सामान, और ये भी है अफू का सामान, और ये जो तो भी जेल ये अफू को पसंद है। अफू आप खुश हो, आपकी चीजें आई, अभी तो मेरा भी बहुत शौक ही होता है, चलो मम्मा को पाकर दो, पाकर आके दे दीजिए, चलो जी बस इतना ही, तू हो गया बर्थडे, अभी संभाल के रख लो, अब पूरा दिन आप ये सब चीजें खाना, ठीक है, और अप्पी को भी शेयर कराना, ठीक है, वन वन आपकी, हर चीज टू टू है ना, तो वन आपकी वन अप्पी की, ठीक है, हाँ उसको भी शेयर कराना, ठीक है। तो जी अब बारी आ जाती, सॉरी, तो जी अब बारी आ जाती है हमारे गिफ्ट्स की, अल्फिया के गिफ्ट्स जो आए थे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या आया था अल्फिया के गिफ्ट्स में। तो जी सबसे पहले तो अल्फिया की नानी का गिफ्ट आता है, क्योंकि नानी की जान है अल्फिया, तो अल्फिया का सबसे पहला गिफ्ट है उसकी नानी की तरफ से, तो उन्होंने दी है ये बहुत प्यारी सी ड्रेस अल्फिया को, ये देख सकते हैं, ये स्कर्ट है और ये अल्फिया का अपर है टॉप, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा, ये येलो कलर का, लेमन कलर का टॉप है, और ये काफ़ी प्यारे से कलर्स में बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी स्कर्ट है, तो ये मम्मी को, ये मम्मी के पसंद का है, हम सबको भी बहुत पसंद था, तो मम्मी स्पेशली खुद गई थी दिल्ली, और जहाँ से मैं बच्चों के कपड़े लेती हूँ वहीं पे मुझे लेके गई थी कि जो बेस्ट होगा वो हम अल्फिया के लेंगे, तो ये हम सबकी पसंद का है, और मम्मा को तो एज यूजल अल्फिया के लिए सबसे कुछ बेस्ट चाहिए होता है, बैकग्राउंड कितना सेम सेम लग रहा है हम दोनों का। तो जी ये ड्रेस है अल्फिया की नानी की तरफ से। अब आ जाते हैं, बारी है अल्फिया की पुप्पी की तरफ से, तो एज यूजल ये भी येलो ही कलर है, दोनों येलो कलर का, लेमन कलर है, और ये जो ड्रेस है ये अपर है इसका टी शर्ट, और ये है शॉर्ट्स, तो ये ड्रेस है अल्फिया की पुप्पी की तरफ से, जो शोभा आई थी उन्होंने दी है ये वाली ड्रेस, ठीक है।
अब आ जाते हैं अल्फिया की खाला जी की तरफ से। तो अभी दो खाला का गिफ्ट जो है वो मेरे पास मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, बुलबुल ने और मिनाज ने कैश दे दिया है, तो वो मैं जिस दिन मार्केट जाऊंगी वहां से आऊंगी। तो ये वाली जो प्यारा सा गाउन है, ये जो ड्रेस है, ये है अन्नू की तरफ से। ये एक फादर कम शनील जो होता है उसका बना हुआ है, और इसके ऊपर नेक के ऊपर बहुत प्यारी सी इस तरीके का वर्क हो रखा है, और स्लीवलेस है, बहुत प्यारा है। और ये सर्दियों में पहनने के मतलब की ड्रेस है, तो अल्फिया पहनेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। और सेम ऐसा ही मिनास के पास भी, किसी दिन मिनास को भी पहनाऊंगी और अल्फिया को भी पहनाऊंगी, फिर दोनों का फोटो शूट करके वीडियो शूट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी दोनों काला पहनने की। तो ये अन्नू ने दिया है अल्फिया को, तो ये अन्नू की ड्रेस है क्योंकि अन्नू बाजी अपना काम खुद ही कर लेती है सारा। तो अब आ जाते हैं नजवा जी की तरफ। तो ये नजवा जी ने दिया है अल्फिया को, तो देखते हैं इसमें क्या है। मैंने अभी तक खोला भी नहीं था। ओ माय गॉड, लगता है नजवा जी ने बहुत सारा पैसा तो पैकिंग में ही लगा दिया, क्योंकि बड़ी पैकिंग करी है। ओ वाओ, इतना प्रिटी ये फैब्रिक दिया है नज़वा जी ने अल्फिया के सूट बनाने के लिए, और ये तो बहुत सुंदर है। इसका कलर बहुत अच्छा है, देख लो, कलर ब्लू कलर है, रॉबिन ब्लू कलर है। उसके ऊपर ये पतली पतली सी जो डॉट्स है ना वो है, और ये फैब्रिक दिया है। और नज़वा जी ने इसकी सिलाई के पैसे भी दिए हैं, उन्होंने कहा था कि अल्फिया के लिए बहुत प्यार से एक सूट बनवाओगी तुम। मेरे पास नाप नहीं था अल्फिया का, तो और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं लेकर आई हूँ। तो ये पूरा फैब्रिक दिया है नज़वा जी ने, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा कलर है इसका। तो जी ये हो गया। अब ये है जेबा का गिफ्ट, जो मेरे मामू की बेटी है जेबा। जेबा अब वो, एक सेकंड बेटा। ओहो, इसका मुझे अंदाजा था। जेबा एक जेबा जो है ना ट्यूशन पढ़ाती है घर में बच्चों को, तो वो टीचर है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये है मैजिक स्लेट, अब की मैजिक स्लेट दी है जेबा ने। और एक माँ जो दूसरे वाले मामू के बच्चे आए थे, उन्होंने चॉकलेट का डब्बा गिफ्ट करा था, और बाकी जो आए हैं कैश आया है, ये कार्ड्स हैं। तो नगमा का है, और ये सुरैया ने भी कैश ही दिया था, और यासमीन ने भी कैश दिया था। तो इन सब के कैश है मेरे पास। तो बस यही था अल्फिया के गिफ्ट गिफ्ट ओपनिंग। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और आज अगर इसमें कुछ दिक्कत आए ना, तो क्योंकि मैं अपने फोन से शूट नहीं कर रही हूँ। एक सेकेंड जी, यहाँ पर हो जाती है समाप्ति हमारे गिफ्ट्स की। और बड़े ही प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स दिए हैं अल्फिया को सबने। बुलबुल और मिनास का जो है वो गिफ्ट ड्यू है, जैसे मैं लेकर आऊँगी कुछ भी अल्फिया के लिए वो मैं आपको ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आसिफ जी के फ़ोन से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोस जो है ना वो इनआर्ट क्लास ले रही है। तो बस यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाहर जो है पंचायत शुरू हो गई है, तो बस अब हम रखते हैं अपना फ़ोन, क्योंकि सब लोग बातचीत कर